हेलो एवरीवन, वेलकम टू सियाज इंटरनेशनल। आज हम लेकर आए हैं वीडियो आपके लिए, जिसमें कि हम वो आइडेंटिफाई करेंगे आपके लैपटॉप में एमएस ऑफिस ओरिजिनल है कि नहीं। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे अगर अवेलेबल है तो आप उसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। हाँ बोलो। सबसे पहले हम क्रोम या तो अदर ब्राउज़र, जैसे अभी मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग यूज़ किया है, हम सबसे पहले अपनी आईडी में लॉग इन करके हमारे अकाउंट ऑप्शन में जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा अकाउंट यहाँ से लॉग इन है, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का लॉग इन है। ये ओपन करते ही आपको दिख जाएगा कि एग्जैक्टली मैं कौन सी मशीन पर इसको यूज़ कर रही हूँ या कौन से डिवाइस पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी का सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का मतलब ऑलरेडी इन परचेस्ड है, उसको हम कैसे चेक करेंगे। हम जाएंगे सर्विस एंड सब्सक्रिप्शंस में, इसको जैसे हम ओपन करेंगे अगर हमारी चीज़ परचेस्ड है या डिफ़ॉल्ट मशीन के साथ आई हुई है, उसका आपको इंस्टॉलेशन सेटअप यहाँ दिख जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आ रहा है ऑफिस होम स्टूडेंट 2019, इसका जो वर्जन है 2019 वर्जन है। हम सिंपली इसको यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। और ये वर्जन जो है प्रॉपरली 2019 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है आपके सिस्टम में, इसका मतलब या तो वो आईडी से वो रजिस्टर्ड नहीं है, या सेकेंडरी आपके मशीन के साथ एमएस ऑफिस आया ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।